हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक नंबर सिस्टम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले प्लीज आप 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नीचे जो दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना इसको। ठीक है, जब आप इन्हें p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जब आप इन्हें p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे तो p और q आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा। एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 का 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.47, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ जो आपको समझने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे 10/3 है, ठीक है। अब मैं 3 को 10 से डिवाइड देता हूँ, तो चलिए दीजिए 10 से 3 को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करूँ 10 से 9 को तो कितना आ रहा है, 1। अब 3 को 1 से डिवाइड करूं तो नहीं जाएगा, पॉइंट पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे 0, 3 3 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट तो 1, पॉइंट की हेल्प से 0, 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करूं तो 1। देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 1 आ रहा है ना, और कोसेंट में जो वैल्यू है पॉइंट के बाद, ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। मीन्स जब 10/3 को मैंने डिवाइड दिया तो 3.333 ये इस प्रकार से आ रहा था, है ना। मीन्स 10/3 में 3.3 आपका, मीन्स ये 3 बार बार रिपीट कर रहा था रैकरिंग, है ना, इसलिए रैकरिंग दिया। मीन्स जब ये इस फॉर्म में था, सॉरी इस फॉर्म में था, तो इस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना हो तो इसका कुछ स्टेप्स होता है जो कि यहाँ हम लोग समझेंगे। चलिए, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे, ठीक है, और इसको p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोले, तो क्या करना है, इतना इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर जो रैकरिंग है, 7 के ऊपर रैकरिंग है, 7 आपको रिपीट कर रहा है, इतना इज इक्वल टू आपको क्या करना है, x लेट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखिए x 0.4 तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, तो 7 7 7 7 7 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, और उसके बाद इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीपल करना है। आप बोलोगे सर 10 से क्यों मल्टीपल करना है, हाँ भाई 10 से मल्टीपल इसलिए करना है बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रैकरिंग है कितने डिजिट के पास है, ओनली फॉर 1 डिजिट के पास है, तो 1 यहाँ पे 1 लिख देना, कितना डिजिट है 1, है ना, तो 1 डिजिट के 1 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, है ना। अगर 2 डिजिट होता तो 2 0, है ना, मीन्स 2 डिजिट के ऊपर रैकरिंग होता तो 100 से मल्टीपल करते, 3 डिजिट के ऊपर रैकरिंग होता तो 1000 से मल्टीपल करते, है ना, और दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीपल करेंगे। अब मल्टीपल दोनों साइड 10 से क्यों करेंगे, आपको पता चल गया, क्योंकि 7 के ऊपर 1 डिजिट के ऊपर ही रैकरिंग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777 इनफाइनाइट। अब देखो 10 10 से दोनों साइड इसलिए किए दोनों साइड, ताकि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। ठीक है, क्या करना है, आप चलो इसको मल्टीपल करें, ये तो सिंपल सा हो जाएगा 10x, इसको मल्टीपल। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, कितना जीरो है, 1 0, तो यहाँ से 1 डिजिट पॉइंट की ये साइड आ जाएगा। अगर 2 डिजिट यहाँ पे 2 0 होता तो यहाँ से 2 डिजिट पॉइंट के वो साइड आता, है ना। यहाँ कहने का मतलब इस प्रकार से है, 1 0 तो 1 डिजिट मीन्स 4 पॉइंट की ये साइड आ जाएगा, और फिर 7 7 7 7 इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। इसको क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 2 रिपीट कर लो। देखो बच्चे फंसते यहीं पे हैं, इस स्टेप्स को आप लोग याद करना, ठीक है, क्या करना है इसको। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है।
देखो बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है। आप छोटे में से बड़े को भी कर सकते हो, लेकिन माइनस प्लस का प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप क्या करो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। देखो 10 ये तो बड़ा है, ये तो x छोटा है ना। चलो इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 2 है आपका 10x इज इक्वल टू 4.777, ये आपका बार बार रिपीट कर रहा है ना, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते x, यहाँ पे कितना है 0.4777, ये इक्वेशन 1 है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, 7 में 7 तो 0, 7 में 7 तो 0, 7 में 7 सब्ट्रैक्ट हो तो 0, 4 में 7 तो 3, यहाँ पॉइंट तो पॉइंट, 4 में 0 तो 4, ठीक है। 10 में से 9 10 में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ, 1x, तो कितना हुआ 9x। अब यहाँ ध्यान दो, 9x इज इक्वल टू कितना आया, सॉरी यहाँ वीडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3, ठीक है। x इज इक्वल टू 4.3, यहाँ पे देखो ये मल्टीपल में था, वो सेट क्या चीज हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। ये एक पॉइंट, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, है ना, वन डिजिट है इसलिए एक जीरो। अब इसको लिख सकता हूँ ना कुछ इस प्रकार से, x इज इक्वल टू 43/90। देखो ये आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, यहीं पे आपका आंसर p अपॉन q के फॉर्म में हो गया ना, 43/90, आपको यही p अपॉन q के फॉर्म में ही करना था, है ना। और p और q आपका क्या है, इंटीजर्स है, और q का वैल्यू जीरो नहीं है, है ना, आपको यही करना था। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।